मॉर्निंग में बड़ी मॉर्निंग मॉर्निंग या हाई प्लीज है कैसे हैं आप लोग ऑल डूइंग गुड अरे मैं बाहर वॉशरूम में था तो वो मिल गए मेरे को क्या नाम है आपका मैं ऐसे मतलब खड़े <laughs> तो होते हैं वॉशरूम में स्टैंडिंग नेक्स्ट टू भी हो गया तो सर आप यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. <laughs> <laughs> मैं मैं भी चलिए <laughs> जी शुरू करते हैं आज के सेशन को सर मैं ये पूछना चाहती हूँ लाइक वैन वी सेट अ ड्रीम एंड वैन दैट ड्रीम कैन वी कैन नॉट कम्प्लीट दैट ड्रीम तो सर जो उसका सेटबैक होता है बार बार वो फेलियर याद आता है हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट पास्ट एंड दैट थिंग दैट वी हैव हैव फील इन दैट दैट थिंग वी डन लाइक कि पास्ट में हम, हमने कुछ किया yes. पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है लोगों ने मना भी किया फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए और वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके है ना जैसे ही हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है वो देख पहले भी तूने किया था क्या हुआ तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें राइट सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं उससे कैसे बचोगे आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ चाहे मूवी देख लो चाहे कुछ भी कर लो कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो ठीक है ना दारू पीली कुछ देर के लिए भूल गए फिर याद आ जाएगा जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी तो खुद से कैसे बचे? समझ रहे हो यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें कि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है समझ गए ना और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो अगर इस बात को हम समझ पाए तो आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा समझ गए असर होना बंद आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा जैसे कोई अगर आ, कोई आपको पता है कि कोई पागल है वो अगर क्या आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे दस दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है कोई बात नहीं तो जैसे ही आप अंदर से बोल देते ना कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है उसका जो नेचर है उसका है मेरा जो नेचर है मेरा है तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो आंसर है वो ये डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूँ डीपली कि हमसे कोई गलती हो गई अब वो गलतियाँ क्या हो सकती है गलतियाँ हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल गलतियाँ <laughs> <laughs> फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है <laughs> फिर पता नहीं गलतियाँ कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं है ना अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं मैं कितनी बेवकूफ हूं ऐसी ऐसी चीजें आती हैं माइंड में हाँ कि मैं तो समझ नहीं पाती हूं चीजों को नहीं कोई बात नहीं क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है धीरे धीरे होती है कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है राइट जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट इसको ध्यान से समझ लो तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में मे बी कि चार दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है ये तो आप जल्दी में भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता दस बीस रुपए महंगा भी, भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं दस दुकानों में जाएंगे ट्राई करेंगे सौ रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे सौ रुपये में ज्यादा बोल रहा हूँ बीस बीस रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो वो कैसे लेते हैं हम बहुत सारे लोग तो लेते नहीं है उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं करियर का डिसीजन रिलेशनशिप्स का डिसीजन ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं होता है ना स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज इट इज अ वेरी 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 कहू मेरी नो कमेंट तो जो भी है अरिंदा अरिंदा क्या गड़बड़ मुझे लगती है मुझे जो जेनविनली बता रहा हूं जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया अरे बहुत बढ़िया है अरे बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है तू हाँ कर दे और उसने हाँ कर दी ठीक है बढ़िया है मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं कुछ खरीद नहीं रहे हो माना लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है कबाड़ी को दे सकते हो ये पति को कबाड़ी किसा <laughs> 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 जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो दिस इज कॉल्ड विजडम ये मैं कहा से बोल रहा हूं शायद अगर आज आज से आप बीस साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था यह सब मैं क्या कहता अरे करो 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 और पीने मन करा लगा दो बियर लगा रही है, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे मैंने सारे काम करे हैं ऐसा नहीं, नहीं करे हैं लटाएगी और कई बार खुद भी लेट गया और पीछे वाला कहता है कहते हैं यार मैंने क्या थे 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 थे। तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है आप समझ रहे हो तो ये सब काम मैंने करे हैं तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा मत करो मैं कह रहा हूं समझ लो कि ये करने से क्या होगा नहीं करने से क्या होगा और कर भी दिया तो उसे सीख लो ग्रो आउट ऑफ इट मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया समझ गए कि मैंने ये सही काम कर लिया मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए वट आपने टॉप कर दिया कहीं पर तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ ग्रो आउट ऑफ इट ठीक है क्या फर्क पड़ता है मिल रहा है आपको जवाब मिल रहा है एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं तो उससे सीखो गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो दैट इज इंपॉर्टेंट पहली बार अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही हैं बात करते करते पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है समझ गए? अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो यह गलती है मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया यह गलती नहीं है कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो यह गलती है यह ब्लंडर है अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो रो रहे हो परेशान हो रहे हो यह गलती है कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वह आपके ऊपर हावी हो सके हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना है मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं अपने आप को यह बोलो आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्व कर जाए <laughs> अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी तो गलतियों से सीखो सीख करके क्या होगा आप धीर धीरे धीरे मेच्योर होते चले जाओगे अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे फॉर एग्जाम्पल आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में तो क्या ये छोटी क्वालिटी है डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल मतलब पेशेंस इज सो बिग यार पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में सही डिसीजन्स ले सकते हो सही चॉइस ले सकते हो अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है ठीक है ना माई क्वेश्चन इज दैट िटी एंड डेथ बहुत भारी सवाल है वैसे तो बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही <traveled and -up, laughs> अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करें समझ गए ना वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो कोई भी हो सकता है वो मर सकता है ना आज हम खुद भी मर सकते हैं तो अब कैसे अपने आपको इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो ऊपर ऊपर से तो होगा ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा अंदर से नहीं ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा वॉट इज आउटर वॉट इज इनर आप एक मूवी देख रहे हो मूवी देख रहे हो रो रहे हो तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है नहीं हो रहा क्यों क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगे बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बात है उसके अलावा आपके आस पास में अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तब भी आपके ऊपर असर ना हो और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए उसका भी आपके ऊपर असर ना हो क्या ये हो सकता है पहले तो सवाल ये है क्या लगता है आपको हो सकता है नहीं हो सकता है सच बोलो ये नहीं कि यहां पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है नहीं हो सकता हो सकता है हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ जाए है अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है वो क्या है अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे हमेशा पॉजिटिव रहे नहीं जी रो रहे हो तो खुल के रोना है ठीक है दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है हंस रहे हो तो खुल के हंसना है जी रहे हो तो खुल के जीना है गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं मैं गेम खेल रहा हूं लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है यह बात अभी हमको समझ नहीं आती है अगर ये बात हमको समझ आ जाए जो मैं रोल की बात करता हूं मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जाम्पल दिया था एक रोल का एग्जाम्पल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है शायद आंसू भी आ रहे होंगे शायद आप हंस भी रहे होंगे सब कुछ कर रहे हो फेल हो रहे हो सक्सेसफुल हो रहे हो लेकिन अंदर से यू विल ऑलवेज बी अनटचचड अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो क्योंकि तो क्या होगा आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि यह गेम है लाइफ एक गेम की जैसी है लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो तो क्या होगा आप सही डिसीजन ले ही नहीं सकते आपके जो भी डिसीजन होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे क्यों गलत होंगे जबकि आपकी सलाह सही होगी आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी क्यों मैं बीच में आ गया ना बस इसको ध्यान से समझ लो ये ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं ऐसा क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा हड्डी टूटी तो आप रोने लग जाओगे चीखने चिल्लाने लग जाओगे मतलब हो क्या रहा है हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं उस गेम में डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है ठीक है ना खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए लाइफ को एक खेल की तरह देखो मेरे लिए लाइफ कैसी है मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है क्लियर है ना जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे हैं बॉडी हार्डवेयर के जैसी है जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी क्लियर हो रहा है ना तो ये क्या है एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है तो मेरे लिए लाइफ क्या है मैं दोनों से ही अनटचड हूं ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं तो बन गया ना खेल पहचानना की, की जरूरत ही नहीं आप हो आप इस बोतल से अलग हो इसमें पहचानने की क्या जरूरत है आप बोतल को देख रहे हो बोतल आपको नहीं देख रही है क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है फैक्ट है भाई आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती ये फैक्ट है या इल्यूजन है फैक्ट है तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है क्लियर हो गया तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को तो अब इससे क्या होगा Then you will become an artist. एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी मतलब एक कमाल का खेल अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को मतलब कि इस बॉडी को और इस सॉफ्टवेयर को मतलब कि माइंड को प्रोग्राम तो किया जाए इस बॉडी को डिजाइन किया जाए और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स है जो बिजनेस है जो काम है जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो सबको कैसे परफेक्टली किया जाए जो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो? Yes, तो धीरे धीरे अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो ज्यादा डीप में मत जाओ इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या ये बताओ मुझे आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है जैसे वीडियो गेम खेलते हैं हम सब खेलते हैं उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो पहले दिन में क्या दसवें लेवल पर पहुंच जाते हो ऐसा नो? नो नहीं पहुंचते हो तो टाइम लगता है ना लेकिन क्या आप पहले दिन में दसवें लेवल पर नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो आप उसको परफेक्ट करते रहते हो बार बार गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो फिर गिरते हो फिर जीरो से शुरू करते हो फिर उसको बेटर करते हो बेटर करते हो बेटर करते हो धीरे धीरे आप क्या होता है आपका लेवल बेटर होने लग जाता है आप पांचवें पे जाते हो दसवें पे जाते हो बीसवें पे अब जिंदगी के खेल में वीडियो गेम में क्या फर्क है वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है एक एंड आ जाता है कि ये पचासवा लेवल है इसके आगे और कुछ नहीं है जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है देर इज नो एंड एंड दैट इज अ ब्यूटी ऑफ लाइफ परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड exist in एग्जिस्ट इन रियलिटी दैट इज of लाइफ नहीं तो मैं करता क्या समझ रहे हो नहीं तो आप करोगे क्या अगर परफेक्ट हो गए तो आप खेल में मजा ही नहीं रहेगा जब तक जिंदा हो जब तक सांसे चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं और बेटर बाहर नहीं अपने अंदर और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है कैसे नहीं करनी है मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में अभी आप अवेयर नहीं हो अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी चार दिन तक लड़ाई चलेगी क्यों बोलना रहे मत बोलो क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ कितना मजा आएगा खेलने में मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी बीमार हो गए अभी क्या होगा बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा दुखी हो जाओगे दुखी क्या होना है खेल है खेल का पार्ट है बीमार हो गया उस तो तो बीमारी को देखो समझ पा रहे हो क्या मुश्किल है ये करना बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है यानी कि माइंड और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है और ये बॉडी बीमार हो गई अब मैं क्या करूं अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो या वो बीमारी दोबारा ना हो या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं यूनिवर्स बोलते हैं तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं। खेल है लेट इट बी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है दस दिन में गायब समझ गए देन यू हैव पेशेंस आल्सो ठीक है खेल चल रहा है क्या फर्क पड़ता है खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या फर्क पड़ता है रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो गई क्या फर्क पड़ता है जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है खेल की तरह देखो बिजनेस को खेल की तरह देखो लाइफ को खेल की तरह देखो अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो ये हम नहीं सोचते हैं बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो बुरा लगेगा सुनने में बट चिंदी बन जाते हो सोच ही पाँच दस हजार रुपए वाली बन जाती है उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं हम नीचे धसते चले जाते हैं क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है लोगों से रिलेटेड है बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं आ रहा है ना पकड़ में हम्म चीजें आ गई चली गई क्या फर्क पड़ता है खेल है समझ गए आज ये बॉडी है इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई क्या फर्क पड़ता है खेल है ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में क्या बड़ पड़ता गेल है एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई समझ रहे कितना मतलब मजेदार है इट्स फनी एक्चुअली अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है बस अपनी लाइफ ही सीरियस है है ना पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता वो सब आपके लिए फन है अपनी लाइफ में ज़ोरों से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में क्या मूर्ख वाली हरकतें कर बी मेच्योर बी वाइज समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें में लॉस लग गया मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले क्या हो गया खेल है अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली मजा आ गया खेल है रहे हो यही तो खेल का मजा है मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला यही तो एडवेंचर है देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से दस साल पहले आज भी वैसे ही जी रहे रिपीट मोड ईट स्लीप रिपीट ईट स्लीप रिपीट रिपीट कर रहे हैं क्या मजा है सेम लेवल पे इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे उनके पास जाकर के बैठोगे, खुद थके हुए हैं आपको भी थका देंगे लाइफ <laughs> नहीं नजर आएगी बॉटल जैसे है समझ गया ना बॉटल मुर्दा है ना मुर्दा है ना इसके अंदर जान नहीं है ना लोगों के अंदर जान है क्या अरे नहीं बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे काम करेंगे तो खुल के करेंगे जो कर रहे हैं वो खुल के करेंगे इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे कमाल के आशिक होंगे वो समझ गए उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है कुछ भी कर सकते हैं ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं क्यों क्योंकि उनके लिए ये खेल है लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं लोगों को सोचने में डर लगता है हो सकता है बहुत आसान है। देख सकते हैं आंखों में। झूठ नहीं बहुत आसान <laughs> है। अगर खेल समझ जाओ तो खेल समझ आए तो समझ गए ना मेरा पति है उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है उसने पहले भी वो किया था अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है और वो सारा कुछ आ गया मैं क्या करूं अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार इसको आराम से समझो इसको खेल की तरह देखो लग गई तो क्या हो गया लगी हुई है लाइफ में सबकी लगी हुई है क्या हो गया खेल है खेल है जी अभी लगी हुई है कल बेटर हो जाएगी लाइफ जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है ठीक है पार्ट ऑफ गेम है जी पार्ट ऑफ लाइफ है कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी ये गेम है बी एडवेंचरस बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ अगर ऐसे आप बन सको जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ इफ यू नो दैट के बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है मरनी ही मरनी है जानी जानी चाहिए बॉडी जा हो चाहे कोई भी बॉडी हो जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है वो जब ये बॉडी नहीं तो सॉफ्टवेयर का है समझ गए तो सॉफ्टवेयर भी गया हार्डवेयर भी गया बचा क्या मैं बचा यह मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है और मैं हूं कौन ये नहीं पता है तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है कोई और भी अगर गया तो क्या गया बॉडी गई ना कुछ है जो नहीं मरता है अब वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है बाकी सब मरता है सब मरता है जी ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में लाखों सालों में करोड़ों सालों में जब से दुनिया थी है और जब तक रहेगी वो नहीं मरा अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा समझ पा रहे हो Mala, even if I want to, I cannot die. And even if I want to protect this body, this cannot survive. This has to die. Is the part of the game.